रांची के बाजार में एक अनोखा सत्तू वाला है जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। नाम है कविंद्र। दरअसल कविंद्र सत्तू वाले के सत्तू बेचने का अंदाज बेहद निराला है। अक्सर वे रांची के हाट बाजारों में सत्तू बेचते दिख जाएंगे। धुरवा के शालीमार बाजार में इनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने देखा कि इन्होंने डाले वाले ऑटो रिक्शा पर ही सत्तू बनाने की फैक्ट्री खड़ी कर ली है जो ऑटो के इंजन से ही संचालित होता है। तो लगभग अभी रांची में 6 महीने से हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा, बहुत लोग इसको लाइक किए। हम चाहते हैं कि इसको अभी और आगे बढ़ाया जाए। कविंद्र बताते हैं कि इन्होंने मलेशिया में करीब 1 वर्ष नौकरी की, लेकिन अपनी सरजमी से दूर जब इनका मन नहीं लगा तो अपने देश लौट आए। उन दिनों कोरोना की विपदा के कारण यहाँ भी काम मिलना मुश्किल हो रहा था, तब इन्होंने औरों से कुछ अलग करने की ठानी। अपने फैसले पर अब उन्हें गर्व हो रहा है। हमने 1 साल तकरीबन 8 से 10 महीना हमने मलेशिया में भी रहा है। हम मलेशिया गए, वहाँ का काम देखे, पेमेंट भी अच्छा नहीं था। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद में मतलब 1500-16 हज़ार रुपया बचता था, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम 1 साल में रिटर्निंग वहाँ से चले आए। रिस्पॉन्स देखिए बहुत अच्छी है इसका, लेकिन हम ये इसलिए किए ताकि लॉकडाउन में इतने हम लोग परेशान हो गए कि सारे लोग का रोज़गार छिना गया और सारे लोग बैठ गए घर में। तो मानकर चलिए कि हम लोग का तो सरकारी सर्विस नहीं है, कमाएंगे तो खाएंगे। एक मजदूर आदमी कितने दिन बैठ करके घर परिवार को चला सकता है। तो हम सोचे कि बाज़ार से हट करके कुछ ऐसा किया जाए कि लोग को विश्वास दिल जीता जाए, इसलिए हम ऐसा काम किए। सस्ता और हाथों हाथ पीसा हुआ ताज़ा चने का सत्तू मिले तो भला कौन नहीं लेगा। इनकी दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। मैंने इससे पहले भी लिया था, मार्केट में जो सत्तू मिलता है उससे कंपेयर किया अच्छा है, उससे तुलना में ये अच्छा है और ये रीजनेबल प्राइस है, इसलिए मैं इधर से ही लेता हूँ। सत्तू प्योर है और सत्तू खाने में टेस्ट है और हम तो रोज़ सत्तू पीते हैं, इसलिए जब भी हम लेते हैं ये बाज़ार मंगल को भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, संडे को भी लगाते हैं। तो बाज़ार का सत्तू से जो जलान सत्तू है उससे तो बढ़िया सत्तू ही है, टेस्टी भी है। कविंद्र रोजाना 300 किलो के करीब सत्तू का व्यापार करते हैं। इस हिसाब से उनकी आमदनी किसी अच्छे खासे नौकरी पेशा व्यक्ति से कम नहीं है। लीक से हटकर कुछ अलग करने की चाहत ने उन्हें सफलता के एक मुकाम तक पहुंचा दिया। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।